नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक वास्तविक घटना का शाब्दिक वर्णन। कवि कहते हैं, मैं कहता हूँ आंखों की देखी, तू कहता है कागज की लिखी। मैं कहता हूँ आंखों की देखी, तू कहता है कागज की लिखी। जो देखा वह लिख लिया, कविता तो नहीं है यह। पर क्या सचमुच कविता नहीं है? जीवन क्या है? एक कविता ही तो है। जन जीने का संघर्ष और मृत्यु सबसे बड़ी कविताएं होती है। किसी को शब्दों में व्यक्त करना आता है, किसी को नहीं आता। आइए सुनते हैं ये पंक्तियां जो लिखी है साहिल कबीर ने। पेड़ गिरा, तूफान ने पेड़ गिराया, पेड़ से घर का छप्पर टूटा। टीन टप्पर का छप्पर हवा से उड़ गया होता तो अच्छा होता। टीन टप्पर का छप्पर हवा से उड़ गया होता तो अच्छा होता। आदमी दबा मिला टूटे छप्पर के नीचे, आदमी मर गया, आंखें नहीं थी उसकी। पेपर बेचने वाला आदमी, पत्नी भी अंधी, सेम। इकलौती बेटी की आंखें रोई नहीं, इकलौती बेटी की आंखें रोई नहीं, या बारिश की वजह से दिखाई नहीं दे रहे आंसू। इकलौती बेटी की आंखें रोई नहीं, या बारिश की वजह से दिखाई नहीं दे रहे आंसू। ज्वार भाटे सी मदद की बाढ़, ज्वार भाटे सी मदद की बाढ़, जैसी आई वैसी ही वापस भी चली गई। अंधी माँ बेटी क्या सोचकर जीवन जिए, अंधी माँ बेटी क्या सोचकर जीवन जिए, क्या है जो बेचकर खाए पिए। पेड़ विशाल था, बहुत पुराना, उम्र दराज। पूर्णिमा को धागा बांधने आने वालों को इस बार ढूंढना पड़ेगा दूसरा पेड़। पेड़ तोड़ना गिराना कत्ल नहीं करना चाहिए, पेड़ तोड़ना गिराना कत्ल नहीं करना चाहिए। घर नहीं होने चाहिए गरीबों के, नियम के बाहर हो भी तो छत ना हो टिन टप्पर की, हो भी तो छत ना हो टिन टप्पर की, या कम से कम आंखें तो हो मरने वाले की। अपनी मौत आंखों देखी या बुरा जो देखन मैं चला, कहते निकल जाए, छुटकारा पाले इस प्रलय जगत से। धन्यवाद। ऐसी ही कविताएं सुनने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं एक नई कविता के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।